सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के ग्रुप एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं पहले पुराने पोल के, सवाल था कि आपको वीडियोस का जो नया सिस्टम है वो आया है पसंद, तो आप इसे 90% ने बोला हाँ जी हाँ जी, और बाकी बोलते हैं यार क्या फर्क पड़ता है सिस्टम। दोस्तों यहाँ पे सिस्टम को जैसा था कि भैया मैं लेके आने वाला हूँ वीडियोस, कोशिश करूंगा जितना हो सकेगा एक फिक्स टाइम पे अपलोड करने की, भैया टेकटॉक्स जो है वो आ जाएगा शाम को थोड़ा टाइम से पहले ही। तो यहाँ पर दोस्तों आज सुबह वाला वीडियो जो था, मतलब आज के सवाल से रिलेटेड ये बात है कि वो टाइम पे मैं पोस्ट नहीं कर पाया, थोड़ा सा डिले हो गया, और ऐसे भैया पूरी पूरी जिम्मेदारी है एयरटेल और जियो की, जहाँ पे मैं ट्राई करता रहा लेकिन नेटवर्क आ ही नहीं रहा था। तो आपसे दोस्तों सवाल आज का ये है कि क्या आप इमरजेंसी सिचुएशंस में मोबाइल नेटवर्क्स पे भरोसा कर सकते हैं क्या यार, जहाँ पे स्पीड कभी तो बहुत ही कमाल और कभी भैया बिल्कुल घटिया। आप दोस्तों बारे में क्या सोचते हो बताना जरूर ऊपर दिए गए पोल में, नीचे कॉमेंट सेक्शन में सारी बातें मिला लो एक साथ एक स्पेशल लाइक के लिए। दोस्तों बात करते हैं भैया पहले अपडेट की, जहाँ दोस्तों निकल के आता है यहाँ पे पोको F2 को लेके, और ये कुछ रेंडर्स सामने आए हैं भैया जो बताते हैं कि फोन जो है अपकमिंग पोको F2 कैसा हो सकता है। यहां पर दोस्तों अभी ये कुछ दिनों पहले एक बेंचमार्क वेबसाइट पे भी लीक हो गया था, जहां पे मालूम ही चल रहा था कि इसमें होगा स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर, और अब दोस्तों यहां पे जो रेंडर्स आए ये बताते हैं कि भैया फोन में जो नॉच है वो थोड़ी छोटी हो सकती है, जो कि होगी इस ये वाटर ड्रॉप स्टाइल वाली नॉच। जो कैमरा लेआउट है वो थोड़ा बदल गया है, तो अभी ऐसे में देखते हैं कि जो पोको का नया वर्जन है वो F2 का नाम है या भैया F1 प्लस होगा दोस्तों, जो भी होगा वो कब आता है मार्केट में। लेकिन आपसे सवाल ये है कि क्या अगर ये आएगा 845 के साथ में तो आप इसके लिए एक्साइटेड होंगे या नहीं, लिख डालो आपकी मन की बात नीचे कमेंट्स में। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, भैया निकल के आता है यहां पे इसरो की तरफ से, और यहां पर दोस्तों बात हो रही है 2019 के भैया कंप्लीट रोड मैप को लेके, जहां पर दोस्तों इसरो प्लान करता है 32 स्पेस मिशंस के बारे में भैया मतलब लॉन्च करने की है पूरी की पूरी तैयारी 2019 में। तो यहां पर दोस्तों ऑन एवरेज अगर आप देखते हैं तो हर महीने लगभग भैया 3 स्पेस मिशंस की बात हो रही है। अब ये कौन से होंगे, क्या होंगे और कब किए जाएंगे वो हम देखते हैं। लेकिन यार जब दोस्तों बात करते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन वगैरह की, तो इसरो जो है वो मतलब बहुत ही एक प्राउड वाली फीलिंग हमको दिला देता है। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहाँ पे ओप्पो के R17 प्रो को लेके, और यहाँ पर दोस्तों लॉन्च हो गया भैया इसका किंग ऑफ ग्लोरी एडिशन चाइना में, जहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा आपको एक अलग से भैया मिलता है डिजाइन, और ऐसे में ये है किंग ऑफ ग्लोरी एडिशन ओप्पो R17 प्रो का। बाकी दोस्तों जो डिटेल्स हैं वो फोन की बिल्कुल सेम ही है स्पेसिफिकेशंस, और जो कीमत है वो भी बिल्कुल सेम है। ऐसे में ये है ओप्पो का नया R17 प्रो, और ऐसे में मैं दोस्तों मतलब एक वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं, जहां पे हम करते हैं थोड़ा सा कंपेयर करके देखेंगे कि भाई कौन से फोन की बैटरी कितनी जल्दी चार्ज होती है। तो उसमें ओप्पो R17 प्रो तो हैकर किंग बन गया है, देखो ये नया एडिशन कैसा होता है। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहां पे Huawei की Mate 30 प्रो को लेके, मतलब ताज़ा मार्केट में आया है मेट 20 प्रो। दोस्तों बातें शुरू हो गई है भैया यहाँ पे मेट 30 प्रो की, जहाँ पे दोस्तों बात हो रही है एक पेटेंट एप्लीकेशन को लेके, और इसका दोस्तों यहाँ पे एक कुछ केस का डिज़ाइन सा है जो लीक हो के आ रहा है सामने, जहाँ पे दोस्तों देख के लगता है कि इस बार होने वाले हैं लगभग 5 कैमराज, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो पीछे की स्पेस है वो है थोड़ी सी पतली और लंबी, दोस्तों दो फिर दो, जिसमें से एक तो होगा भैया आपका फ्लैश, तो दोस्तों बाकी के जो 5 छेद हैं वो होंगे शायद कैमराज के लिए। तो ऐसे में देखते हैं कि भैया जो मेट 30 प्रो है वो कब तक आता है, कैसे आता है, और ऐसे में कितने कैमरास पे हम रुकेंगे, ब्रेक तो भैया कभी लगाना पड़ेगा ना। शुरू तो एक से किया था, उसके बाद में 2, 3, 4, 5 पता नहीं कितने दोस्तों हो रहे हैं, देखते हैं क्या होती है सच्चाई इसी मेट 30 प्रो की। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहाँ पे सोनी की तरफ से, और यहाँ पे दोस्तों सोनी जो है वो लेके आने वाला है 3D लेजर फेस रिकग्निशन सिस्टम। यहाँ पे दोस्तों ये एप्पल के फेस आईडी से भी ज्यादा प्रिसाइज होगा ऐसा मानना है सोनी का, और दोस्तों होगा एक लेजर बेस्ड सिस्टम जो कि काम करेगा बड़े बढ़िया तरीके से 3D में आपके फेस को स्कैन करने का। अब यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है चाहे ऑथेंटिकेशन की, चाहे बात फोटोग्राफी वगैरह की, देखते हैं कि ये जो सिस्टम है ये मोबाइल फोन्स में कब तक देखने को मिलता है। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहाँ पे फिटबिट चार्ज 3 को लेके, और दोस्तों लॉन्च हो गया भैया फिटनेस ट्रैकर इंडिया में, जो कीमत है वो है 13,990 रुपए, और यहाँ पे है दोस्तों एक OLED स्क्रीन। अब फिटबिट का नाम है तो भैया कीमत तो ज्यादा होती ही है, लेकिन ऐसे में आपसे सवाल थोड़ा सा ये है, लिख दो आपके मन की बात नीचे कमेंट्स में, कि अगर हम बात करते हैं फिटनेस ट्रैकर की, तो क्या आप एक फिटनेस ट्रैकर के नाम पे भैया 10, 12, 15, 20 हजार रुपए खर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है
कि नहीं यार, जो मिलता है मार्केट में 1,000-1,500-2,000 रुपए वाला, वही अपना काम ठीक तरीके से करता है, मेरे लिए वही बेहतर है। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है भैया यहाँ पे रियलमी को लेके। और यहाँ पर दोस्तों रियलमी जो है वो 4 मिलियन यूजर्स जो है वो अपने साथ जोड़ चुका है, और ऐसे में पूरी तैयारी दोस्तों कर चुका है ऑफलाइन मार्केट्स में उतरने की, जहां पर दोस्तों ये लेके आएगा रियल पार्टनर्स के नाम से स्टोर्स, जहां पर लोग जाके रियलमी के फोन्स ले पाएंगे। तो यहां पर दोस्तों हो गया है ऑफिशियल, रियलमी बोलता है भैया रेडी टू सेलिब्रेट। और यहां पर जो सेलिब्रेशन यही है कि जो लोग हैं वो रियलमी के फोन्स ऑफलाइन मार्केट में भी ले पाएंगे। तो अभी देखना यह है कि क्या इन फोन्स की कीमत बढ़ती है या घटती है या सेम रहती है भैया, कहां और कैसे रियलमी किस तरीके से कस्टमर्स तक अपने फोन पहुंचा पाता है। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहां पे यूएसबी टाइप सी ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम को लेके, जहां पर दोस्तों अभी जो है ये फॉर्मली लॉन्च कर दिया गया है, जहां पे बात कुछ ऐसी हो रही है कि अगर दोस्तों बात करते हो आप यूएसबी सी बेस्ड डिवाइस की, तो मतलब अगर आप दोस्तों कनेक्ट करते हो किसी और डिवाइस से उसको, तो ऐसे में दोस्तों अगर कोई मान लीजिए मलिशियस कोड रन होता है या फिर जो ऐसी कोई चीज है जो आपके डिवाइस को हार्म पहुंचा सकती है, उसको दोस्तों हैक वगैरह कर सकती है, तो वो मतलब आपको ये दोस्तों जो है इनका ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम ये एक सेफ्टी प्रोवाइड करेगा कि आप जो है वो डायरेक्टली ऐसे किसी डिवाइस से कनेक्ट करने के बाद में अपने डिवाइस को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अच्छी बात है, वरना भैया क्या मालूम आपके लैपटॉप में या फोन में किसी ने क्या लगे कनेक्ट कर दिया और उसके बाद में हो गया कमाल डेटा एक बार में इधर से उधर, तो बाद में पछताते रह जाओ। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी के एंड्रॉयड 9 पाई लाइनअप के बारे में। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है कि क्या रहेगा रोड मैप गैलेक्सी डिवाइसेस का, लेकिन दोस्तों बात हो रही है फिलहाल चाइना में कि भैया जो फोन्स हैं उनमें कब कहाँ कैसे कौन से फोन को मिलने वाला है एंड्रॉयड पाई का अपडेट। हेलो दोस्तों, इंडिया के लिए अभी डिटेल्स फिक्स नहीं है, लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं सैमसंग का नोट 9 वगैरह, तो आप दोस्तों फिलहाल शायद बीटा में जो है वो एंजॉय कर सकते हैं बड़े आराम से एंड्रॉयड 9 को। तो ये एक लंबी से लिस्ट निकल के आई है, अलग अलग दोस्तों यहाँ पे डिवाइसेस हैं, कुछ को भैया मिल जाएगा अपडेट पहले, कुछ को मिल जाएगा बाद में, लेकिन आपके हिसाब से अगर आपको चाहिए लेटेस्ट एंड्रॉयड अपडेट हमेशा अपने फोन में, तो क्या आप सिर्फ इसी वजह से एक पिक्सल फोन को प्रेफर करेंगे या नहीं, थोड़ा बता दो नीचे लिख के कॉमेंट्स में। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहाँ पे भैया एक चाइनीज न्यूज़ को लेकर थोड़ी सी एक गलती हो गई है यार, जहाँ पर दोस्तों एक 17 साल का इंसान था, 2011 की बात है, और उस टाइम पे आईफोन 4 खरीदने के चक्कर में भैया अपनी किडनी जो है वो बेच दी। उस टाइम पे दोस्तों पैसे मिले किडनी के $3,200 जो फ़ोन की कीमत से कहीं ज़्यादा थे, तो उस टाइम मतलब फ़ोन ही परचेज कर लिया और काफ़ी ज़िंदगी जो है वो खुशहाल सी बन गई। हालांकि किडनी बेचना एक बहुत ही गलत फैसला था, लेकिन दोस्तों अभी हुआ है ऐसा 7 साल बाद कि अंदर इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि उस टाइम पर जो सर्जरी करके किडनी को निकाला गया उस टाइम पर दोस्तों जो प्रोसीजर्स थे सर्जिकल वो तरीके से फॉलो नहीं किए गए, और आज की डेट में दोस्तों वही इंसान कंप्लीटली डिसेबल हो गया है। ऐसे में जो आईफोन 4 है वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ा और भारी पड़ा, मतलब हम जोक बनाते हैं दोस्तों किडनी को लेके, लेकिन ये वाकई में एक न्यूज निकल के आई है, ये नहीं होना चाहिए यार एक फोन के लिए, मतलब ये तो पागलपन वाली सी बात है। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के, निकल के आता है भैया यहाँ पे शाओमी की तरफ से, और यहाँ पर दोस्तों शाओमी जो है वो रेडमी को एक अलग सब ब्रांड बना चुका है। यहाँ पर दोस्तों अभी वो शाओमी का ही एक लाइनअप का हिस्सा नहीं है, ये जैसे कि है भैया ओप्पो और रियलमी समझ लो, या फिर दोस्तों हुआवे और ऑनर समझ लो, तो यहाँ पे कुछ इसी तरीके से जो रेडमी है वो एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ब्रांड की तरह भैया अभी काम करने वाला है। तो यहाँ पे हमको शायद क्या पता कुछ और नई पॉलिसीज देखने को मिल, और यहां पर दोस्तों 10 जनवरी को लॉन्च होने वाला है वही Redmi का फोन, जिसमें होगा 48 मेगापिक्सल का कैमरा। देखते हैं नाम क्या होता है, प्राइस क्या होती है, और इंडिया में अवेलेबिलिटी के बारे में हमको कब तक कोई इंफॉर्मेशन मिल पाती है। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है भैया यहां पे Mozilla की तरफ से, और यहां पर दोस्तों Mozilla की तरफ से बात हो रही है इसके थंडरबर्ड मेल क्लाइंट को लेके, जिसमें दोस्तों बहुत जल्दी आपको काफी सारे नए अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं, और जो Gmail का सपोर्ट है वो और काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ऐसे में आप दोस्तों मुझे बताओ कि क्या आप सिर्फ अपने ब्राउजर भैया खोलते हो जीमेल या याहू वगैरह और काम में लेते हो, या फिर दोस्तों आप काम में लेते हो किसी ऐसे ईमेल क्लाइंट को? Mozilla थंडरबर्ड जो है वो काफी फास्ट है इसलिए दोस्तों, बाकी बहुत से लोग जो है वो आउटलुक वगैरह को यूज करते हैं आप क्या, या फिर अपने फोन में भैया बस जीमेल के अंदर रहते हो खुश? बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। दोस्तों बात करते हैं भैया यहां पे अगले अपडेट की, निकल के आता है यहां पे Xiaomi की तरफ से, और यहां पे दोस्तों बात हो रही है Xiaomi Mi Air Pop को लेके, और ये है दोस्तों भैया एक आपके लिए एयर पोल्यूशन मास्क जो कि यहां पे दोस्तों Xiaomi ने लॉन्च कर दिया है। इसमें मिलता है आपको 3D 4 लेयर के दोस्तों है प्रोटेक्शन। तो ये जो एंटी पोल्यूशन मास्क दोस्तों से कीमत है इंडिया में सिर्फ 249 रुपीज। अच्छी बात है, Xiaomi अगर कुछ लेकर आता है तो एटलीस्ट इस मामले में दोस्तों होता है भरोसा कि जो क्वालिटी है आपको चीज की वो सही मिल जाएगी सही कीमत पे। तो यहां पे अभी देखते हैं कि कितनी क्या होती है खपत भैया, वरना मैं जब था अभी दिल्ली में तो देख रहा था लगभग सभी लोग कुछ ना कुछ जो है किसी ना किसी तरीके से अपने मुंह को ढक के ही बाहर निकल के घूम रहे हैं। जो बात करते हैं लास्ट अपडेट की भैया, निकल के आता है Huawei के Y9 को लेकर भैया। दोस्तों ये जो फोन है ये लॉन्च होने वाला
है 7 जनवरी को और ये रहने वाला है एक Amazon एक्सक्लूसिव फोन। और यहाँ पर दोस्तों आपको मिलने वाली है ऊपर एक नॉच, इसके अलावा होगा प्रोसेसर किरीन का 710। तो ये है Huawei का Y9, देखते हैं बाकी भैया क्या आते हैं डिटेल्स, किस प्राइस पे फोन लॉन्च होता है। लेकिन क्या आपको दोस्तों अगेन नहीं लगता वही सेम मेरी जो थ्योरी आपको बता रहा था कि मतलब एक ही एक नाम से या थोड़ा बहुत आगे पीछे करके, थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन आगे पीछे करके बहुत ज्यादा ही फोन हो गए हैं मार्केट में, जो कि आपने एग्री भी किया था सभी ने कि भैया फोन वाकई में बहुत ज्यादा हो गए हैं। क्या आपको दोस्तों लगता है कि ब्रांड्स को भी क्या करना चाहिए, कम फोन लेके आने चाहिए या भैया ऐसे पूरा मार्केट भर दो, बताना जरूर लिख के नीचे कॉमेंट्स में दोस्तों। बस फिलहाल भी इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट मत भूलिएगा, अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक जरिए शेयर भी कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।